हेलो एवरीवन, मैं नंदन कुमार आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 21 अगस्त को रेलवे के ALP एग्ज़ाम में जो GK का क्वेश्चन आया है वो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और इसमें सारे शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, हो सकता है इस वीडियो का और पार्ट आए अगर इसमें कवर ना हो पाए तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किसने दिया था? अष्टक यानी कि ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल होता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हो जाता है अस्थाई, यानी कि वो अक्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, जिसको हम लोग नोबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कोई भी एटम होगा तो वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था न्यूलैंड साहब ने, न्यूलैंड। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो ये है अभिमन्यु जी, हम हरियाणा के वित्त मंत्री। आपको ये बता दें कि हरियाणा के जो CM हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में एक, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आप ज़रूर याद रखिए, ये सब चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस RRB के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और हरियाणा के जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर और वित्त मंत्री यहाँ के हैं अभिमन्यु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहिंगटन बाड़िया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट। रोहिंगटन बाड़िया ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। इसमें का पांचवा क्वेश्चन है आपका, एन एरा ऑफ डार्कनेस इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक पिछले साल भी SSC CGL के एग्जाम्स में आया था और इस साल भी आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो पुस्तक और लेखक हैं उनको आपको याद करना चाहिए। इसके लिए मैं देखूँगा, एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बोलिए। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है इसके लेखक हैं शशि थरूर, आपको शायद नीचे ना दिखे, मैं बोल देता हूँ शशि थरूर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन सारे क्वेश्चंस को आप नोटबुक लेकर के और पेन लेकर के रेडी रहिए वीडियो देखते समय, और उसको नोट कीजिए और याद कीजिए। और नोटबुक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वीडियो में मैं काफ़ी सारे एक्स्ट्रा जानकारी भी दूंगा आपको जो आपके लिए ज़रूरी है, और आप उनको भी नोट करते रहिए और याद करते रहिए। पांचवा क्वेश्चन मैंने बता दिया, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट है आपका, सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है टिहरी बांध, और टिहरी बांध कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। सबसे अगर अच्छा सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछे तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध ये है आपकी महानदी पर और पड़ती है उड़ीसा में, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध। और सबसे ऊँचा बांध पूछे आपसे तो टिहरी बांध, और टिहरी बांध है कहाँ पर? यह है उत्तराखंड के अंदर। और अगर ये पूछे कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाई गई है तो ये है भागीरथी नदी पर। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, मोबाइल स्क्रीन है इसलिए लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, जगह भी कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बोल जरूर रहा हूँ। आप ज़रूर इसे नोट कीजिए अगर आपको पास होना है तो और याद रखना है तो। ठीक है, वैसे केवल वीडियो देख लेने से याद नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो देखता भी है तो कोई उतना ध्यान से देखता नहीं है कि याद हो जाए, और अगर देखता है तो अच्छी बात है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप इस सारे क्वेश्चंस को और जो मैं अलग से बातें बता रहा हूँ उसको भी आप नोट करते जाइए। तो सबसे ऊँचा बांध टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में, और किस नदी पर है? भागीरथी पर। अगर सबसे लंबे बांध की बात करें तो वो है महानदी पर हीराकुंड बांध, और वो है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन किसका बना होता है, यानी कि प्रोटीन किससे बना होता है? तो ये बना होता है एमिनो एसिड से, एमिनो अम्ल। और नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम जो है वो है OP रावत, OP रावत। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ये है नील नदी। और एक चीज़ और, नील नदी बहती है मिस्र में, जिसको इंग्लिश में हम लोग इजिप्ट बोलते हैं, इजिप्ट, इजिप्ट, हिंदी में इसको मिस्र बोला जाता है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और ये बहती है इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में। और एक चीज़ और याद आपको रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मिस्र को किस नदी का देन कहते हैं, तो ये होगा आपका आंसर नील नदी। या क्वेश्चन पलट भी सकता है कि नील नदी की देन किस देश को कहते हैं, तब आपका आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कि 21वां कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ? 21वां जो कॉमनवेल्थ गेम था वो गोल्ड कोस्ट में हुआ, गोल्ड कोस्ट। आपका 11वां क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसके कारण फैलता है? क्वेश्चन ये कन्फर्म नहीं है कि
घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता था, ऐसा आया है या किसके कारण फैलता है? तो मैं दोनों बता देता हूँ, आप में से बहुत लोगों को याद भी होगा। घेंघा रोग प्रभावित करता है थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? ये गले के अंदर पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। जहाँ पर आप घेंघा रोग में देखते होंगे कि बड़ा सा एक मांस बाहर निकल आता है, तो उस बीमारी को हम लोग घेंघा रोग, और घेंघा रोग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। ये ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में हिंदी शब्द को हटाकर काफ़ी मात्रा में इंग्लिश शब्दों का यूज किया जा रहा है, तो घेंघा रोग के बदले ग्वाइटर भी लिखा जा सकता है, कि ग्वाइटर जो डिजीज है या रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, और अगर थायराइड ग्रंथि आपको ऑप्शन में ना मिले तब आपको गला चूज करना चाहिए, गले को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि गर्दन। और ये होता किसके कारण है घेंघा रोग, ये आप सबको मालूम होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है, ये होता है आयोडीन के कारण। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है, 21वां कॉमनवेल्थ, सॉरी थोड़ी सी बीच में गड़बड़ी आ गई थी, आगे बढ़ते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण कब हुआ था? विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनिटाइजेशन, जो नोटबंदी हुआ था वो कब हुआ था? नोटबंदी, ये भी याद रखिएगा, शब्द अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो डिमोनिटाइजेशन होगा, हिंदी में विमुद्रीकरण होगा, या साधारण भाषा में नोटबंदी कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। थुम्बा किससे रिलेटेड है? थुम्बा एक जगह का नाम है, और ये रिलेटेड है रॉकेट लॉन्चिंग से, यानी कि यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ कौन सी धातु क्रिया नहीं करती है? पानी के साथ कौन सी धातु क्रिया नहीं करती है? तो ये है सिल्वर यानी कि चांदी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं Ag। गोल्ड को हम लोग बोलते हैं Au, ये भी याद रखिए, गोल्ड को Au, और टिन को बोलते हैं Sn, और टंगस्टन को बोलते हैं W। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब ऐसे हैं जो मिलते जुलते नहीं हैं, जैसे कैल्शियम के लिए Ca होता है, मिल जाता है आपका बिल्कुल, नाइट्रोजन के लिए N होता है, ये भी मिलता जुलता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है, लेकिन जो टिन है जिसको हम लोग Sn बोलते हैं, ये मिलता जुलता नहीं है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन, टंगस्टन किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी प्रसिद्ध है। फिजिक्स का क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन का जो प्रतीक होता है रसायन शास्त्र में वो होता है W, और वैसे ही गोल्ड यानी कि सोना का होता है Au, और चांदी का होता है सिल्वर। एक चीज़ और, सबसे अधिक जो सर्वोत्तम विद्युत का चालक है वो सिल्वर है, Ag है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, शरीर में रक्त का परिवहन कौन करता है? शरीर में रक्त का यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन कौन करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा है, फिक्स नहीं मिल पाया है कि कैसे आया है, ठीक है। तो जो जो मुझे सही लगा है मैंने वैसे लिख दिया है, आप बस याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों तरह से आंसर वही होगा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ब्लड, ठीक है, इस क्वेश्चन को पलट के भी आ सकता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है, और हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है। एक क्वेश्चन RBC से और आया था, RBC यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कण, RBC। जो ब्लड होता है हमारा वो दो टाइप का होता है, एक WBC होता है जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, और दूसरा होता है RBC जिसको रेड ब्लड हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। तो ये क्वेश्चन एक आया था कि रेड ब्लड जो होता है इसके जो इसका जीवन काल कितना होता है, रेड ब्लड का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन, 120 डेज। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर की, यदि 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 21 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा? फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हुआ तो जान लीजिए, एफ इक्वल टू होता है MA, जहाँ पर एफ का मतलब होता है बल, एम का मतलब है द्रव्यमान, और ए का मतलब है त्वरण। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है आपको, एफ इक्वल टू MA। देखिए एफ यानी कि बल दिया है आपका 21, और इधर एम यानी कि द्रव्यमान का वैल्यू 3 दिया है, और ए यानी कि त्वरण पूछ रहा है। तो हम 3 इधर लाएंगे तो बट्टा में आएगा, और ये 3 7 7 बार में कट जाएगा, तो ए बराबर आपका बन जाएगा कितना, 7 m/s², ठीक है। आप यहाँ पर त्वरण का मात्रक भी याद रखिए, m/s², ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को। बस छोटा सा फॉर्मूला है, बल एफ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन के गति नियम से हम लोग प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर एफ बल का मतलब, सॉरी एफ है बल, और एम है त्वरण, और सॉरी एम है द्रव्यमान, और ए है त्वरण, ठीक है। और इसमें से आपको त्वरण का वैल्यू निकालना था, मैंने बल और द्रव्यमान का वैल्यू पुट किया, और 3 7 21 यानी कि ए का वैल्यू 7 आ गया।
नेक्स्ट है आपका पंजाब के राज्यपाल कौन है। पंजाब के राज्यपाल कौन है, ये हैं VP सिंह बदनौर यानी कि विजेंद्र सिंह बदनौर। और आपका आपको पंजाब का CM को भी याद रखना चाहिए। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके RRB ALP के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है, और वो ये है, ये पहले ही दिन शायद आया था, उतना ध्यान नहीं है, पहले या दूसरे दिन आया था कि किस मुख्यमंत्री के पिता जो थे वो महाराजा थे, तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह। पंजाब का जो लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा जो शहर है वो है लुधियाना, और पंजाब की राजधानी पड़ती है चंडीगढ़। पंजाब में है भारत का सबसे मोटा और सबसे चौड़ा बांध, जिसको हम लोग बोलते हैं भाखड़ा नांगल बांध, जो सतलज नदी पर स्थित है। पंजाब के साथ वह हरियाणा और राजस्थान में भी फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन मेनली जो भाखड़ा नांगल परियोजना है या भाखड़ा नांगल बांध जो है वो पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में ग्रुपों की संख्या कितनी है, और ये है 18। आवर्त सारणी की खोज की थी मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी की खोज वैसे अलग अलग लोगों ने की थी, आधुनिक आवर्त सारणी होता है और पुराना आवर्त सारणी होता है, उसकी बात हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आवर्त सारणी में ग्रुपों की संख्या कितनी होती है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था। 2016 का पैरा ओलंपिक जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ये है ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील। एक चीज़ और बड़ा बता दें आपको कि 2016 का जो केवल ओलंपिक हुआ था, मेन जो ओलंपिक होता है, वो भी ब्राज़ील के अंदर हुआ था, और वो भी हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर। ये बात याद रखिएगा, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो नहीं है, ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी शायद ब्रासिलिया है, शायद नहीं, कन्फर्म ब्रासिलिया है ब्राज़ील की राजधानी। और रियो डी जेनेरियो जो है वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट शहर है जहाँ पर 2016 का ओलंपिक खेला गया था, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो या मेन ओलंपिक हो। नेक्स्ट है रेड इंक किससे बनती है। रेड इंक बनती है ईओसिन से। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट नहीं है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, इनको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स। और ऐसे ही स्टडी ऑफ, अगर सॉइल पूछे मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुनी हुई आवाज़ हमारे दिमाग में कितने समय तक स्टोर रहती है, कितने समय तक रुकी रहती है, कितने समय तक स्थिर रहती है। तो आपको बता दें कि जो भी बात हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग में 1 सेकंड के 10वें हिस्से यानी कि 1/10 सेकंड तक रुकी रहती है, काफ़ी कम समय होता है यह। अगला सवाल है रामविलास पासवान की पार्टी का नाम आपको बताना है, तो इनकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये आसान सा क्वेश्चन है, सब बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं आसान आसान से। अगर आप लूसेंट पढ़ गए हैं या SPD का जो जनरल नॉलेज आता है वो पढ़ गए हैं तो वो काफ़ी है, फिर भी आपको उसको पूरा नहीं समझना चाहिए क्योंकि पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है और इसकी गारंटी नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं, तो आपको लगातार ऐसी वीडियोज़ को देखते रहना है जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं जल्दी मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ी समय की कमी है इसलिए लेट वीडियो आया है, लेकिन अब आशा है कि लगातार वीडियो, डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में, और ये आया था भारत में कहाँ पर, कोलकाता में, कालीकट स्थान है वहाँ पर आया था, ठीक है। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, DDT का फुल फॉर्म क्या है। DDT क्या है, ये एक पिरकनाशी है, कीटनाशी है, इससे हम लोग कीट को मारते हैं, और DDT का फुल फॉर्म होता है ट्राइक्लोरोइथेन है, DDT ट्राइक्लोरोइथेन। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगला बार से मैं कोशिश करूंगा कि मैथ का क्वेश्चन भी मिल जाए, मैथ का क्वेश्चन थोड़ा मिल नहीं पा रहा है क्योंकि बच्चों को याद नहीं हो रहा है, और चूंकि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन चल रहे हैं तो जो बच्चों को याद रहता है वही भेज पाते हैं वे लोग, और इसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको गलत मिल जाए इसमें, क्योंकि पूरा सही मिलना, तो फिर भी मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चन सही हो, उनका आंसर भी सही हो। अगर कुछ गलत दिखे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।